हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 जो कि जनवरी में होने वाले एग्जाम से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड को देखेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कम समय में कैसे पास किया जा सकता है, इसके बारे में इसके सिलेबस को देख करके समझेंगे। देखते हैं सिलेबस को। कम समय में एग्जाम पास करना है तो सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अधिक फोकस करना होगा, जैसे कि संवैधानिक विधि में 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा और भारतीय दंड संहिता से 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता से 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से भी 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा और वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। और पारिवारिक विधि में हिंदू विधि मुस्लिम विधि से 4-4 प्रश्न मिला के 8 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इन विधियों पर करना है, जिससे कि आप कम समय में और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स के लिए 40 मार्क्स सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 35 मार्क्स एससी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो कि एक ओपन बुक एग्जाम है जिसमें आप अपने तैयार किए हुए नोट्स वेरिएंट्स किताबें भी साथ में ले जा सकते हैं, जिनसे आप प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखते हैं टेस्ट पेपर को। टेस्ट पेपर सेकेंड है आईबी एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेखांकन के रद्दकरण को भी कहा जाता है, रेखांकन का खोलना कहा जाता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, बाजी संबंधित है, वर्तमान घटना से, पूर्व घटना से, भविष्य में होने वाली घटना से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के कारण प्रतिफल रहित लिखित एवं पंजीकृत संविदा है, वैध संविदा है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, ए अपनी भांजी से सी को 500 रुपये का अंतरण इस शर्त के साथ करता है कि वे अपने पति का त्याग कर देगी, ये अंतरण शून्य है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव, हेडले बनाम बैक्सेंडेल में प्रतिपादित सिद्धांत भारतीय संविधान अधिनियम की धारा का आधार है, धारा 73 का आधार है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, सभी संविधाएं शून्य हैं एवं अवैध हैं जो जानी जाती हैं, निषेधात्मक संविधाएं कहलाती हैं। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, पितृ के दायित्व का उन्मोचन होता है, मृत्यु प्रत्याहरण बिना पितृ की सहमति के संविदा की शर्तों में फेरबदल, उपरोक्त सभी के द्वारा। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, पीक बनाम गर्नी का प्रसिद्ध बात संबंधित है, मिथ्या विश्लेषण से। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, कंपनी अधिनियम 2013 निर्मित करने के लिए अनुमति देती है एक व्यक्ति कंपनी भी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, निम्न में से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या है, तो राष्ट्रीय स्मारकों की परियोजना आधारित संरक्षण। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति चिड़ियाघर के जानवरों को कष्ट देगा उसे दंडित किया जा सकेगा जुर्माने से, जो कि 5000 रुपये तक हो सकेगा, एक वर्ष तक के कारावास से, ए एवं बी दोनों, ना ए और ना ही बी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जल अधिनियम में सरिता के अंतर्गत आता है, नदी कुल्लिया भूमिगत जल उपरोक्त सभी आते हैं, सरिता के अंतर्गत। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम कब से लागू किया गया है, तो 1 जनवरी 2014 से प्रभावी है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होता है जब सिंचाई और जल संरक्षण स्वास्थ्य देखभाल के लिए परियोजना से प्रभावित कुटुंबों की परियोजनाओं के लिए उपरोक्त सभी में लागू होता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत वस्तु में सम्मिलित हैं कोई कृत्रिम पदार्थ, कोई प्राकृतिक पदार्थ, अंशता कृत्रिम और अंशता प्राकृतिक, उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डिजाइन अधिनियम के अंतर्गत डिजाइनों का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है, नियंत्रक करता है, कंट्रोलर। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जनहित बात प्रणाली का भारत में प्रारंभ किया गया था पीएन भगवती के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। आंसर बी है, पीएन भगवती के द्वारा न्यायिक पहल के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस वर्ष में हुआ था, तो 1986 में हुआ था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन जनहित बात से संबंधित नहीं है, तो निजी मामलों को अंतर्ग्रस्त करने वाली याचिकाएं जनहित बात से संबंधित नहीं, जनहित बाद में समाज से संबंधित और लोक से संबंधित याचिकाओं को जनहित बाद में शामिल किया जाता है। आंसर सी है इसका, निजी मामलों को अंतर्ग्रस्त करने वाली याचिकाएँ जनहित बात से संबंधित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रत्येक या अन्य उपचार के लिए अधिवक्ता को दंड देने की राय परिषद की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 33 में दी गई है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय विधिक परिषद में अपील करने की समयबद्धि
60 दिन है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पूंजीगत लाभ की संगणना की रीति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 में दी गई है, शुद्ध अभिकथन नहीं है, अशुद्ध अभिकथन है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के निबंधनों में से कौन आयकर प्राधिकारी नहीं है, कलेक्टर आयकर प्राधिकारी नहीं है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। आयकर अधिनियम 1961 में आय की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो धारा 2 की उपधारा 24 में दी गई है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। संपदा कर वेल्थ टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब प्रवृत्त हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 से, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा 43 किससे संबंधित है, तो सिविल दायित्व से संबंधित है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मृत व्यक्ति के कथन को सुसंगत तथ्य माना गया है, तो 32(1) के अंतर्गत मृत व्यक्ति के कथन को सुसंगत माना गया है, यहाँ पे 32(4) गलत है, तो आंसर आपका यहाँ पे 32(1) होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत संस्वीकृति स्वीकार्य होती है, उसी अपराध से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए आरोपित है, जिस अपराध के लिए आरोपी आरोपित है उससे संबंधित हो सकती है, निश्चित रूप से अन्य अपराध से भी संबंधित होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रसिद्ध बात रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम गणराज को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ग्राम स्टेन मर्डर केस के नाम से जाना जाता है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तलाक ए तफजीफ है, प्रतिनिधि द्वारा तलाक, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा सुलह का उपबंध करती है, धारा 23 की उपधारा 2 सुलह का उपबंध करती है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। दस्तावेज की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। लोक दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है, प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा साबित किया जा सकता है लोक दस्तावेजों का, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कोई 30 वर्ष पुराना दस्तावेज जो कि उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत हुआ है का सम्यक निष्पादन तथ्यात्मक उपधारणा है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मज का निश्चायक सबूत है, धारा 112 के अंतर्गत, धारा 112 में 280 दिनों के भीतर किसी शिशु का जन्म होना धर्मज का निश्चायक सबूत है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताया है, अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन बताया है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में निम्न में से अंतर स्थापित किए गए हैं, सहकारी समितियों को अंतर स्थापित किया गया है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी की बात करता है, 43(a), आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का भाग है, गरीबों को विधिक सहायता देना राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48(a) संबंधित है, तो 48(a) वन्य जीव भोजन संरक्षण एवं संबंधन से संबंधित है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का एक मूल कर्तव्य है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किसे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लोकसभा अध्यक्ष को, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है प्रस्तावना के अनुसार, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा एक माह के भीतर, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पैगंबर के शिष्यों एवं सहयोगियों का विधि कि किसी प्रश्न पर एकमत होना कहलाता है,
इज्मा कहलाता है। आंसर बी है नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह के लिए सक्षम आयु है 15 वर्ष। आंसर बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्न में से कौन सा भरण पोषण से संबंधित बाद नहीं है? तो अब्दुल रज्जाक बनाम आगा मोहम्मद का बाद भरण पोषण धारा 125 से संबंधित नहीं है। बाकी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानु बेगम का मामला, जहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम का मामला, बाई तारा बेगम बनाम अली हुसैन का मामला सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। हिंदू विधि की मुख्य शाखाएं हैं मिताक्षरा दाया भाग, ए एवं बी दोनों सही हैं। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। यदि विवाह का एक पक्षकार विकसित है तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होगा एक पक्ष के आधार पर? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में विवाह संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 5 के अंतर्गत विवाह की शर्तों का उल्लेख किया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। अग्रिम जमानत प्राप्त करने वाला आदेश प्रवर्तन में आता है गिरफ्तारी के समय? आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी आदतन अपराधी से सदाचरण संबंधी जमानत कितने समय से अधिक नहीं मांग सकता है? तो 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं मांग सकता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कब एक पुलिस अधिकारी किसी वारंट के निष्पादन के समय तलाशी वाले स्थान पर युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है जब स्वतंत्र प्रवेश संभव नहीं हो? तो आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने दिनों तक के कारावास में लघुकृत कर सकती है? तो 14 वर्ष तक के लिए कर सकती है, इससे कम के लिए नहीं कर सकती है, जो कि राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ शिकायतों के एकीकरण के बाद में जांच के दौरान अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया है पुलिस रिपोर्ट पर आधारित बाद? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचार की प्रक्रिया किन धाराओं में की गई है? तो धारा 260 से 265 में की गई। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। लोक सेवकों से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 197 में दिया गया है सीआरपीसी की। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक है? तो जांच एवं अन्वेषण प्रक्रिया न्यायिक नहीं है। आंसर ए बी गलत है। जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। आंसर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जाँच की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, सत्र न्यायाधीश के द्वारा, इन सभी के द्वारा की जा सकती है जांच? तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है? तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज हत्या के मामलों में परीक्षण कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को 7 वर्ष तक कारावास देने का अधिकार है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक कारावास देने का अधिकार है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 7 वर्ष तक का कारावास, जबकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को आजीवन कारावास तक देने का अधिकार है। तो जो कि हत्या के बाद का परीक्षण एडिशनल सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है सभी परिस्थितियों में? केवल वहाँ जब प्रतिरक्षा के लिए लोक अधिकारी के पास जाने का समय हो, सभी परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होता है। जब लोक अधिकारी के पास जाने का समय हो तब भी उपलब्ध नहीं होता है। केवल वहाँ जहाँ लोक अधिकारी तक पहुँचने का समय ना हो तो यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध हो जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किसी लोक सेवक को उसकी ड्यूटी के दौरान गंभीर उपत्ति करना संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है? आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अपमिश्रित खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 272 के अंतर्गत दंडनीय है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। मस्तिष्क का मिलन ही इस अपराध का सारांश है, धारा 121 ए। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। चल संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोजन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो धारा 400 के अधीन दंडनीय है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। विधि विरुद्ध जमाओं के आवश्यक तत्व हैं, जमाओं की रचना करते हुए कम से कम 6 व्यक्ति, जमाओं में शामिल व्यक्तियों का सर्वनिष्ठ विरुद्ध उद्देश्य होना, अपराधी बल का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी विधि विरुद्ध जमाओं के आवश्यक तत्व हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन एक तथ्य का प्रश्न है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज मृत्यु के अंतर्गत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है और न्यूनतम सजा 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान करती है। तो
अधिकतम सजा के बारे में प्रावधान के बारे में पूछा गया है, तो आजीवन कारावास तक, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एक डिग्री हो सकती है प्रारंभिक, अंतिम, अस्था अंतिम और अंस्ता प्रारंभिक, तो उपयुक्त सभी हो सकती है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से कौन सी धारा सिविल प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो धारा 6 जो है धन संबंधी अधिकारिता के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का नहीं है, तो मत देने का अधिकार दीवानी प्रकृति का वाद है, विवाह विच्छेदन संबंधी अधिकार दीवानी प्रकृति का वाद है, किराए संबंधी वाद दीवानी प्रकृति के वाद है, तो राजनीति संबंधी बात दीवानी प्रकृति का बात नहीं, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा में दिया गया है, धारा 11 में पूर्व न्याय का सिद्धांत दिया गया है, धारा 12 में फर्दर ऑफ सूट के बारे में बताया गया है, और धारा 9 सभी वादों का विचार न्यायालय करेंगे जब तक कि वर्जित ना हो, और धारा 10 में विचाराधीन रिस सब्जुडाइस के बारे में प्रावधान किया गया है, तो प्रश्नानुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पूर्व न्याय संबंधी प्रावधान दिया गया है, पूर्व न्याय संबंधी धारा 11 में प्राण न्याय रेस जुडिकेटा के बारे में बताया गया है, और 10 में रेस सब्जुडाइस लंबित बात के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, 12 में फर्दर सूट के बारे में प्रावधान किया गया है, प्रश्नानुसार आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, किस प्रावधान के अंतर्गत अंकिंचन वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो अंकिंचन वाद को ऑर्डर 33 के अंतर्गत, देखते हैं आंसर को, तो आदेश 1 नियम 33 आंसर ए सही है, और अंकिंचन व्यक्ति के द्वारा अपील जो है सेक्स ऑर्डर 44 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, वाद पत्र नामंजूर किया जाना वर्णित है ऑर्डर 7 रूल 11 में, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 79 में वर्णित है, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी वाद दायर किया जाना चाहिए, तो भारत संघ के नाम से दायर किया जाएगा केंद्र सरकार के विरुद्ध जो भी वाद होगा, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, सिविल प्रक्रिया संहिता की जिस धारा में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान किया गया है, वो धारा 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मध्यस्थम अधिनियम 1996 की कौन सी धारा पक्षकारों को मध्यस्थम कार्रवाई चलते रहने के दौरान सुलह कार्रवाई हेतु उपबंद करती है, तो धारा 30 उपबंद करती है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम में एक पक्षकार अवश्य होना चाहिए, एक विदेशी राज्य की सरकार, एक विदेशी राष्ट्रिक, एक निगमित निकाय जो भारत से बाहर किसी देश में निगमित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान पक्षकारगण विवादों का समाधान कर सकते हैं, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की किस दिन से प्रवर्तन में आया है, तो मध्यस्थम अधिनियम 1996 28 अगस्त 1996 से प्रवर्तन में आया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, भारत के संविधान में पुरुष एवं महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 39 डी में दिया गया है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, जहां कोई कर्मकार नियोक्ता द्वारा निलंबित किया जाता है और उसके उपचार से संबंधित जांच लंबित है, वहां नियोक्ता द्वारा कर्मकार को जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, ये प्रावधान औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1996 में किस वर्ष जोड़ा गया है, तो ये 1982 में जोड़ा गया है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत बालक की आयु है, तो बालक की आयु 14 वर्ष है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन अपराधों का विचारण किया जाएगा, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, ए एवं बी दोनों, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, एक अधिवक्ता को न्यायालय में विहित परिधान में उपस्थित प्रस्तुत किए जाने योग्य होना चाहिए, सदैव आवश्यक है, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एक अधिवक्ता की वरिष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, उसके नामांकन की तिथि से किया जाता है, वरिष्ठता का आधार सीनियरिटी के बारे में, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है, ये कथन सत्य है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, एक अधिवक्ता को एक न्यायाधीश जो उसका संबंधी है के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, इसका अनुसरण आवश्यक है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में चालक ज्ञप्ति के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान को दिया गया है, तो धारा 15 में चालक लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन सा दोष अपकृत्य का गठन नहीं करता है, उपेक्षा, न्यायसंग,
अर्धसंविदात्मक दोष बी एंड सी सही हैं। न्यायसभंग और अर्धसंविदात्मक दोष जो है वो दो सप्कत का गठन नहीं करते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। घटना स्वयं प्रमाण से तात्पर्य है कि वस्तुएं स्वयं के लिए बोलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। मानहानि केवल सिविल दोष है। मानहानि सिविल दोष और आपराधिक दोष दोनों है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। विश्व विधि शासन का सिद्धांत है कहाँ से संबंधित है। इंग्लैंड से संबंधित है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव किस देश की विधिक व्यवस्था को कहा जाता है तो फ्रांस को कहा जाता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को। आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में आपने AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर को अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद जय भारत।